में 2000 लोग को खाना खिलाने का व्यवस्था किया गया था। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नहीं नहीं, आज का ब्लॉग कोई भी इंट्रो से शुरू नहीं होगा, आज का ब्लॉग जय श्री राम से शुरू होगा। जय श्री राम। भारत में कोई भी कोना में लोग है, हर घर में खुशियां भर गया है। आज को बोला जाए तो हम लोगों को 500 सालों का सपना पूरा हो गया। ये हमारा राम मंदिर बनते हुए हमारे पूर्वज देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। बहुत ज्यादा ही गर्व की बात है जो हम लोग ये राम मंदिर बनते हुए देख लिए हैं। क्या क्राउड है, क्या सस्पेंस है, क्या लोगों को अंदर उत्साह है, आज तो आप लोगों को पता चल ही गया। तो गाइस, आज को आप लोग सुबह से क्या क्या करने वाले हैं आप लोग हमें बताइएगा। तो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं छोटू भैया के पास, वहाँ पे सभी को प्रसाद खिलाना है। आज को मैक्सिमम 2000 लोगों को प्रसाद ही खिलाना है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं भीड़, आप लोग तो देखे शुरू में कितना ज्यादा भीड़ है। तो चलिए चलते हैं। अभी छोटू भैया का पूजा खत्म हो गया, इस तरह प्रसाद बांट रहे हैं। यहाँ पर भीड़ देखिए कितना ज्यादा भीड़ हो गया। चलिए सभी को प्रसाद खिलाते हैं, एक बार बोलिए जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। बाप रे बाप, गाइस देखे कितना ज्यादा भीड़ था। मतलब प्रसादी खिलाने के टाइम में भीड़ कमने का नाम ले ही नहीं रहा। तो गाइस, कल को जो बना था 2500 केजी लड्डू वो पूरा बट गया। और गाइस, चश्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं हमको बताइएगा, तो कमेंट करके नहीं खोल दे रहे अभी। तो गाइस, गाइस आप लोगों में से कितना लोग अयोध्या गए पैदल, क्योंकि हम लोग का दुर्गापुर से भी बहुत लोग गया है पैदल घूमने के लिए। हमको भी जाने का बहुत मन था लेकिन जा नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। पैदल तो नहीं जा पाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे। आप लोगों को कब प्लानिंग है अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने का कमेंट करके बताइएगा। अभी तो पूरी तरीके से मंदिर ही बनी, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे देंगे, हम लोग को टिकट भी बन गया है। तो बस चलिए, वीडियो यहीं एंड कर देना है। आज का ब्लॉग कैसा लगा, ज़्यादा लॉन्ग तो वीडियो नहीं था। तो गाइस चलिए, आज का वीडियो यहीं एंड कर देना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।